दोस्तों, हम सभी के पास एक चीज जरूर है, वो है मोबाइल, और दूसरी चीज भी है, वो है लैपटॉप। अब अक्सर जब लैपटॉप बिगड़ता है तो इसको बनाने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, और हमारे पसीने इसलिए भी छूटते हैं कि जो रिपेयर करने वाला है बहुत ज्यादा कीमत मांगता है, और हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि इसकी सही कीमत क्या है। अब अगर आपके पास लैपटॉप है और आप इसे रिपेयर करवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप किया तो आप पछताएंगे। और इसके साथ अगर आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं सिर्फ लिंक शेयर करके, तो एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करिए हमारे साथ, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और बढ़ते हैं आगे। तो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं विजय धानुका जी, जो तकरीबन 30 सालों से लैपटॉप रिपेयर्स के बिजनेस में हैं। विजय जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस इंटरव्यू में। सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये जो लैपटॉप रिपेयर है, आप कितने सालों से, मैंने कहा 30 सालों से, तो कैसे शुरुआत हुई आपकी इस बिजनेस में, और आज आप क्या क्या रिपेयर करते हैं लैपटॉप्स में, कौन सी कंपनीज के? हम लोग को इस लाइन ट्रेड में काम करते 30 साल हो गए हैं। भी हम लोग HCL के सर्विस प्रोवाइडर थे सिंस लास्ट 25 इयर्स, एंड आज हम लोग डेल का और सब ब्रांड के लैपटॉप रिपेयर करते हैं। वी हैव गॉट अ वेरी गुड सेटअप, हमारा सेटअप बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। इसके मुकाबले में बहुत कम आदमियों में इस ट्रेड में सबसे बड़ा रिलायबिलिटी, लैपटॉप रिपेयर में रिलायबिलिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप एक लैपटॉप रिपेयर करने जाते हैं, आपको खुद को मालूम नहीं क्या खराब है, नहीं है, दैट सेम थिंग अप्लाइज टू एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। सही सर, मैं यही सवाल करना था कि अगर मान लीजिए लैपटॉप बिगड़ता है तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस सब कुछ ही उसमें आजकल लैपटॉप में। अब अगर लैपटॉप बिगड़ा है तो सबसे पहले क्या काम करें और किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो फॉल्ट दिखना पड़ेगा, क्या फॉल्ट है नहीं है, उसी के हिसाब से रिपेयर कराना चाहिए। फॉल्ट क्या होती है उसमें, आइदर स्क्रीन प्रॉब्लम या हिंज टूट गई, बॉडी टूट गई है, या डिस्प्ले प्रॉब्लम है, या डेड हो गया है। तो मेन थिंग इज हार्ड इज मदरबोर्ड, सारा खेला मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है तो बहुत कम लोग हैं, बंदे हैं जिसको प्रॉपर आइडिया है, और जिसको आइडिया है वही सही काम कर सकता है। जिसको आइडिया नहीं है वो उसको एक्सपेरिमेंट करता है, आर्डर नहीं करता है, एंड एक सर्टेन स्टेज के बाद इट बिकम बियॉन्ड रिपेयरेबल। अब सर, लैपटॉप बिगड़ा है, अब एक आम इंसान के लिए मुझे तो नहीं समझ है कि मेरा क्या चीज खराब हुआ है, वो तो मुझे लेके जाना पड़ेगा, जो रिपेयर करने वाले जो लोग हैं मिस्त्री, उनके पास लेके जाना पड़ेगा। अब अक्सर ये होता है कि वो बहुत हाई चार्ज करते हैं और हमको पता नहीं रहता है क्या प्रॉब्लम है, तो इस चीज को कैसे हम ख्याल रखें? सर, आपको खुद को जान मालूम होना चाहिए कि मेरे लैपटॉप प्रॉब्लम क्या है, और दो चार जगह सर्च करके देखिए, रिसर्च करके देखिए, काम वही कराइए जहाँ रिलायबिलिटी फैक्टर हो। जो इस आदमी को काम की जानकारी नहीं, वो काम करता है उसे नुकसान ही करता है, आपको वो फायदा नहीं रहता है। आप घर में टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी है, आपको आदमी उससे प्रॉब्लम है, कहाँ ठीक कराएं, रिलायबल जगह नहीं है, सही जगह नहीं है, और चार्जेस एब्जॉर्बेंट चार्जेस रहते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज, वही हाँ। तो पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या खराबी है, नहीं है। हो सकता है कि आपको दो पैसा बेसी भी ले कहीं पे, इन काम सही हो तो दैट्स वन टाइम जॉब, बार बार आपको चक्कर काटना नहीं पड़ेगा, नहीं काटना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि लोगों को पता नहीं रहता, और कई बार चार्ज बहुत हैवी पे करते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए इन हैवी चार्जेस से? हमको किसी पार्ट का पता ही नहीं है कि ये कितने का है, मैकेनिक बोलता है कि सर ये 2000 का है, जबकि वो 200 का होगा, इस चीज को कैसे हम समझें? सर, ऐसा है OEM में रिपेयरिंग करने करता, वो लोग सीधे रिप्लेस करता पार्ट्स, और हम लोग क्या है, हम लोग रिपेयर करते हैं, और रिपेयर एक दो पार्ट ही रिपेयर होता, बाकी रिपेयर होता नहीं है। अच्छा, तो बेवकूफ बनाने के लिए कोई बेवकूफ बनाए उसकी बात अलग है, अदरवाइज आइए रिपेयर कराइए। एंड हमारे यहाँ खास करके हमारे रिपेयर कराने के बाद में जनरली 90% ऑफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, और सर्विस सेंटर अगर 90% आदमी सेटिस्फाइड है, दैट्स अ गुड अमाउंट। तो आपको लगता है कि जब भी लैपटॉप बिगड़े तो इसे हमको एक जेन्युइन सर्विस सेंटर के पास लेके जाना चाहिए, ये क्या सही तरीका है? जेन्युइन सर्विस सेंटर में जाना चाहिए, लेकिन दैट कॉस्ट इज वेरी हाई। हाँ, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। हाँ, टैक्स काफी जोड़ते हैं वो लोग, मेरे ख्याल टैक्स पार्ट के पैसे काफी हाई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट OEM कभी रिपेयर नहीं करता है, सीधे सिंपली रिपेयर रिप्लेस। अच्छा, जो सर्विस सेंटर उसे रिप्लेस करता है, रिपेयर नहीं करता वो। तो दैट अमाउंट टू वेरी वेरी हाई, नो डाउट कराते हैं, कराना भी चाहिए, लेकिन अगर सेकंड थॉट रहे तो रिलायबल जगह में, कलकत्ता में हार्डली 2-5-7 जगह ही है जहाँ रिलायबल काम होता है, हार्डली, मतलब आई थिंक 3 फिंगर टिप्स, ये 5-7 आदमी ही है जिसके यहाँ सही काम होता है, बाकी सब ट्रायल एंड एरर पे चलते हैं सबके सब। तो सबसे पहला काम, अगर लैपटॉप बिगड़ जाए तो हम उसको एक ऐसी जगह लेकर जाएं जो जेन्युइन हो, जो ट्रस्ट हो, ये ट्रस्ट कैसे पता चले और कहां इसको लेकर जाना चाहिए, सही पहला स्टेप क्या होगा? सर, पहले 5-7 रेफरेंस पकड़ना चाहिए, रेफरेंस वाले पूछना चाहिए
कि भैया कहाँ ठीक कराए। हाँ आप 5-7 में आप फिर लॉटरी डायग्नोस कीजिए, हाँ ये आदमी से काम कराने फायदा है। उसी तरह से होगा, इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ ओनली, इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ। काम कराएंगे, अगर सही काम हुआ तो आप 5 आदमी रेफर करोगे, आप 5 से 50 हज़ार, 50 से 500 होता है, 500 से 5 लाख होता है। और सर ये जो एक और कि हमको क्या ये पता चल सकता है, कई लोग सोचते हैं कि भाई उसने कितना चार्ज किया पार्ट का, अब ये पार्ट का सच में इतना कीमत है कि नहीं है, ये क्या हमको एज अ कंज्यूमर कभी पता चल सकता है? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो फिर कैसे बचें, जो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस से बचें कैसे? सर ऐसा है, पार्ट्स कॉस्ट इज नॉट वेरी हाई, देयर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वर्किंग इन इट, अलग अलग सेगमेंट अलग अलग कॉस्ट है। अब उसको समझना है कि क्या खराब है, उसका उस चीज का पैसा ले रहा है, किस चीज का पैसा ले रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो ये पहले समझना पड़ेगी तुम ले किस चीज का पैसा रहे हो, क्या चीज खराब है। yes. ये चीज आप पूछिए, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में हम दे देते हैं, वो बोलता है कि बहुत कुछ खराब है, पर हो सकता है ऐसा कुछ खराब नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है खराब होने, देखिए मदरबोर्ड एक ही एकमात्र मदरबोर्ड ऐसा है जिससे आपका सारा चलता है। अब उसमें अलग अलग जो खराबी है उस हिसाब से पैसा लगता है। नॉर्मल जो खराबी होती है, एक दो चिप चेंज करने से काम हो जाता है, और रहता है, या अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, बायस प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग चार्ज रखते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपेयर नहीं होता है, नहीं होता है। और बहुत क्या है, आदमी क्या करता है कि उसमें एक बार हीट देके और चालू कर दिया, 10 पानी चलेगा, फिर वापस वही कभी प्रॉब्लम, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। एक विजय जी प्रॉब्लम और भी है ना, कि लोग हमेशा ना सस्ता सस्ता ढूंढते हैं कि आप इतना 2000 ले रहे हैं, exactly. वो तो 500 में कर दे रहा है। exactly. इस बीमारी से कैसे बचें? Exactly. यही प्रॉब्लम है। देखिए हो सकता है कि आपको एक बार ठीक हो गया, 500 सस्ते में कर दिया, ये रिकरिंग प्रॉब्लम आई नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इफ योर लक इज गुड, रिकरिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आप उसके पीछे रोज घूमते रहिए। दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। और फिर क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, जो एक बार से रिपेयर कराया, फिर रिपेयर कराएगा, फिर अगर हम लोग के पास आता है, That is very tough to repair. अच्छा, that is very tough to repair. Because जो बंदा जिसको काम की आइडिया नहीं, वो रिपेयर कर दिया, तो without knowing if he repairs it, that creates a lot of problem. अच्छा, that creates a lot of problem. He at times it is beyond repairable. तो ऐसा करके कबाड़ बना देता है कि वो रिपेयर होगा ही नहीं। ये चीज फॉलो, प्लीज सर बताएं, elaborate करें इस पे। हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ मैं खुद की देखी हुई चीज में एक दिखाऊं मैं, कि सपोज इन केस मेरे यहाँ लैपटॉप रिपेयर करने आया, तो my engineer is unable to diagnose the problem. So what we do, we simply pack the laptop and give it back to them. ताकि मतलब वो कहीं और दूसरी ट्राई करे, उससे ठीक हो जाए। हो सकता है मेरा इंजीनियर फॉल्ट डिटेक्ट नहीं कर पाया। देखिए 100 का 100 रिपेयर होना को जरूरी नहीं है, तो बट दैट लैपटॉप इज रिपेयरेबल समवेयर एल्स ऑल्सो, इट क्वाइट पॉसिबल। बहुत सही है। बट जो बंदा एक बार दूसरे बाहर में जिसका अनरिलायबल आदमी से काम कराता है, वो उसे काम कराने के बाद अगर लैपटॉप लेके आता है, एट टाइम्स इट इज सीन दैट इज बियॉन्ड रिपेयरेबल, मतलब वही सस्ते के चक्कर में फंस गया। बिल्कुल सस्ते के चक्कर में फंस गया। ये तो हाँ बताइए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो 1000 रुपए का काम है, उसमें जिसे जहाँ ठीक है उसे 4000 कर लिया, 4000 ले लिया। यस यस, बिकॉज अनरिलायबिलिटी फैक्टर। और पैसा तो गया, फिर वो चीज भी बर्बाद हो गई। चीज अगर ठीक भी होती है, सपोज कीजिए आपको लगा कि मैं 4000 में ठीक हो गया, तो हमारे हो सकता 1000 में ठीक हो जाए। एक सस्ता का बीमारी बहुत ज्यादा है। रिलायबिलिटी फैक्टर इज अ वेरी बिग फैक्टर। आई टोल्ड यू नो, पहले मैं बताया आपको, कलकत्ते में सिर्फ 5-7 ही सर्विस सेंटर ऐसे हैं जो आर रिलायबल, जस्ट 5-7, नॉट मोर देन दैट। और नॉर्मली ये है कि सर जब आप रिपेयर करते हैं, तो क्या आप कस्टमर को बिफोर हैंड बताते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम आपका है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा? बिल्कुल, हम लोग का सिस्टम ही है, लैपटॉप रिसीव करने के बाद में आवर प्राइम ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म द कस्टमर दैट दिस इज अ प्रॉब्लम विद द प्रॉब्लम्स हियर, वी गिव हिम द एस्टीमेट फर्स्ट, उसके बाद काम करते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, आपको ठीक कराना है तो ठीक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वी गिव देम एस्टीमेट फर्स्ट। बिल्कुल, और उसका अप्रूवल के बाद ही काम होता है, और काम होने के बाद भी वारंटी 1-3 months वारंटी रहता है हम लोग का, कि उस प्रोडक्ट में जो खराब होगा तो 1-3 महीने के अंदर वी गेट इट डन फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या आप ये भी सजेशन देंगे सर, क्योंकि आप लोग रिलायबल सर्विस सेंटर के, अगर मान लीजिए कोई भी बंदा बोलता है कि भाई आपका ये पार्ट खराब है, तो एक बार आप जरूर नेट पे सर्च करोगे उसका कॉस्ट कितना है, अगर मिल जाए नेट पे कहीं, ऐसा पॉसिबल होता है नेट पे कॉस्ट मिलता है? नहीं मिल पाता है, तो वो फिर जेन्युइन सर्विस सेंटर, उस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। सी दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑल इलेक्ट्रॉनिक, नॉट इवन लैपटॉप्स, आर टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, आपको रिलाय करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। सही बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जो सस्ते के चक्कर में जाते हैं, तो आप अपने सामान का ही नुकसान करते हैं लास्ट। एकदम बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि आप एक सेटअप लेके बैठे हैं विजय जी, यहाँ 30 साल से एक सेटअप लेके बैठे हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं,
आप किसी सस्ते के चक्कर में, छोटी मोटी दुकान के चक्कर में, वहीं पर आप देखते हैं कि वो आपसे पैसा भी ले लेता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो लैपटॉप है, जो सिस्टम है, दुकान है आपकी, वो खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेटा इज ऑल्सो वेरी, हाँ वही मैं बताने वाला था। इनफैक्ट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मालिक कोई कारण शॉर्ट हो गया, हार्ड डिस्क उड़ गई, और कुछ हो गया, इससे कंप्लीट लॉस, कंप्लीट लॉस, कंप्लीट लॉस। सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मान लीजिए जो लैपटॉप ठीक होने लायक है ही नहीं, वो भी आपके पास अगर आ गया है तो वो ठीक होगा ही नहीं, वो कबार, अब मतलब इट्स यूजलेस नाउ, क्या कुछ ऐसा है कि उसको कस्टमर आपके पास बेच भी सकता है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ बेच भी सकता है, और उसके बदले हम लोग सेकंड हैंड लैपटॉप एडिशनल उसको दे भी सकते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप दे सकते हैं विद 1 month वारंटी एंड 1 year वारंटी ऑल। अच्छा, जैसा चाहे वैसा मिल सकता है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, यू गेट अ गुड बायबैक वैल्यू, उसको बायबैक वैल्यू अच्छा मिलेगा पहला तो, सेकंड उसकी जो पसंद का लैपटॉप है, हमारे काफी वैरायटी है, उसको जो पसंद है हम लोग दे सकते हैं एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। अच्छा, तो यानी आप खरीद के, अगर वो यूजलेस है तो खरीद के आप नया रिफर्बिश भी दे सकते हैं। सपोज एक आदमी, एक बंदे का लैपटॉप 7 साल पुराना है, या सपोज 3 साल पुराना लैपटॉप बियॉन्ड रिपेयर है, तो उसकी एक बायबैक वैल्यू दे सकते हैं, और मोटा मोटी वही कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप हम लोग उसको 15,000-17,000 दे सकते हैं, बायबैक वैल्यू लेस और हो जाएगा। ओह, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि अगर लैपटॉप आपका यूजलेस है, बिल्कुल डब्बा बन चुका है, तो वो आप करके रिफर्बिश लैपटॉप ले सकते हैं। या एक ही और है, बहुत से आदमी आजकल तो देखिए लैपटॉप का जमाना है, बहुत आदमी घर में यूजलेस लैपटॉप पड़ा है, इट्स नो पॉइंट वेस्टिंग दैट लैपटॉप मनी, कि आज वो लैपटॉप, पुराना लैपटॉप पड़ा है घर में पड़ा, और उसकी डिप्रिशन वैल्यू और लो, उसको सरता के तो पैसा लेना चाहिए, उसको लिक्विडेट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। यू शुड नॉट कीप अ लैपटॉप आइडल एट एनी कॉस्ट, दैट्स वेरी ट्रू। और क्या, आपको जब नया मिल जाएगा तो फिर उसको आप क्यों आइडल रखोगे? हाँ, और पड़े पड़े खराब ही होगा वो, और खराब वो नहीं हो सर, इसकी डिप्रेशन की वैल्यू तो बहुत हाई है ना। हाँ, तो जितने दिन जाएगा उतना दिन उसका डिप्रेशन होता रहेगा, वैल्यू जीरो होती जाएगी, वैल्यू जीरो होती रहेगी, तो सही समय में उसको निपटा भी दीजिए अगर आपको ऐसा हो रहा है। सरप्लस रहे रखना नहीं चाहिए, जब जरूरत हो लीजिए, और प्लस 1 year वारंटी। आज जनरली आदमी को क्या काम रहता है, आदमी को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, उसके अलावा 99% आदमी के पास कोई काम नहीं रहता, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं रहता, बस उतना ही लैपटॉप दे दे काफी। तो उसके लिए एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस यू गेट इट। बिल्कुल, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, और नंबर तो हमारा स्क्रीन पे दिया गया, आप हमसे प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन, अब ये बताइए कि जिसका लैपटॉप बिगड़ा है, सबसे कौन से स्टेप्स हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए ताकि लैपटॉप उसका ठीक हो जाए, क्या क्या स्टेप्स हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। सर ऐसा है कि लैपटॉप खराब होने से हंट फॉर अ गुड गाय, ये अच्छा काम करता है उसके पास जाना चाहिए, हर किसी से काम नहीं कराना चाहिए। करा के जो है पहले काम कराने का एस्टिमेट लीजिए, एस्टिमेट लेके समझ में आए तो काम कराना चाहिए, काम करें ठीक रहेगा, ऐसा कोई बात एक नहीं ठीक होना है। अभी 30-40% केस में मतलब वो रिप्लेस करना पड़ता है, और जहाँ तक वो रिप्लेस करा के ठीक हो तो इट्स पीस ऑफ माइंड फॉर ऑल। सही, सब पीस ऑफ माइंड ठीक करा के, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो ठीक कराना बेकार है। और अब आपने ठीक करा लिया, वो चीज बार बार बिगड़े, कहीं सड़क के मतलब जो छोटे मोटे दुकानदार थे ठीक करा लिया और वो बार बार बिगड़े, जो इनएक्सपीरियंस्ड है, खर्चा भी है और सरदर्दी भी है। सरदर्द ज्यादा है, खर्चा तो सर कोई भी कर देगा, सही, लेकिन सरदर्द से बचने के लिए एक बार में काम हुआ, काम करके निकल गया, परमानेंट ठीक है। और ये प्रेफर कि मेरा जो बंदा आए काम कराने आता है, ही शुड कम फॉर वंस ओनली, उस काम के लिए दोबारा कभी नहीं आना चाहिए मेरे पास। और सर आप जो सर्विस सेंटर्स हैं, क्या ये काम के बाद गारंटी भी देते हैं कि इतने महीने तक ये रहेगा? हाँ, 1 महीना से 3 महीने की वारंटी रहती है हमारे। अच्छा, 1 month to 3 months, it depends on problem, parts की parts वारंटी 1 year। अच्छा, हाँ, और ये वारंटी आपको जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो नहीं देंगे, अगर आप, अक्सर होता है कि सर आप जाते हैं तो वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, नहीं आपका ये खराब नहीं था, वो खराब नहीं था, बिल्कुल करता है ना, और आप उलझ जाते हैं। बिल्कुल, और हम लोग तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड्स पूरी पक्की रहती है, आज साल भर बाद भी कोई आदमी आएगा तो हमारे पास रिकॉर्ड रहती है, इसने ये काम करवाया था, इसमें ये प्रॉब्लम थी, सो दैट कस्टमर सेटिस्फाइड है, यहाँ पे मेरा पहले साल में पहले भी काम हुआ था, ये काम हुआ, इनको नॉलेज है, दैट इज नॉट एनी एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आप सर, वैसे भी फिलहाल कलकत्ता में इनका सर्विस सेंटर है और यहीं ये काम करते हैं, और अगर आप इनसे कुछ भी बात करना चाहते हैं, अपने लैपटॉप के इशू की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे पास जो भी कॉल्स आएंगे मैं इनको डाइवर्ट करूंगा और आप इनसे बात कर सकते हैं। लैपटॉप का मैं आपको कहूंगा कि बहुत ही क्रिटिकल केस है, यहाँ वहाँ ठीक मत कराइएगा, एक बार इनसे मशवरा जरूर लीजिएगा, और अगर आपको सही लगे तो जरूर कराइए, क्योंकि रिलायबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, मैं एक बार और मैं पूछ लूँ आपसे कि ये जो डाटा का प्रॉब्लम है, कि डाटा हमारे लिए हमारी जान होता है, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम प्राइवेसी इतनी होती है कि हम डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, कि रिलायबिलिटी के केस में डाटा भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। बिल्कुल,
डेटा तो बहुत जरूरी है, डेटा के लिए ही सारा खेल का लैपटॉप कोई भी खरीद सकता है, डेटा चला गया डेटा कहाँ से खरीदेगा वही। और अगर आप इधर उधर से कराएंगे चला गया तो वो लोग रिलायबिलिटी भी नहीं लेंगे, और सबसे बड़ी बात है आजकल हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम इतना बढ़ता है वो डाटा इसके वजह से ही बढ़ता है। बिल्कुल होता है ना ऐसा। हमारे एक परिंदे जी एक खास बात और है, सपोज इनके हिसाब से हमें लैपटॉप ठीक करने दिया और आप हो सकता है कि आपके कोई कारण से आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर नहीं आए, तो योर लैपटॉप इज ऑलवेज अवेलेबल विद अस, ऑलवेज अवेलेबल विद अस। ऑल्दो हमारे जो फॉर्मेट उसमें लिखा हुआ 3 महीने तक हम लोग आपको ध्यान रखते हैं, बट साल भर बाद भी आता है तो उनको लैपटॉप उनका मिलता है। वो बड़ी बात है कि आप एक ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ पे आपकी चीज सेफली पड़ी है, सेफ पड़ी है ना, वन मंथ और वन ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपको लैपटॉप को मिलता है, फिर ये बड़ी बात है। और देखिए 30,000-40,000-50,000-1,00,000 तक का लैपटॉप भी हम खरीदते हैं, लेकिन उसको फिर ठीक कराने के लिए कंजूसी मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्पेंड करिए, पर ऐसी जगह स्पेंड करिए जो रिलायबल हो, जो रिलायबल हो, भले ही 2 पैसे ज्यादा लगे। वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर आपको, मैंने कहीं से लैपटॉप ठीक कराया था, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे ले लिए थे मुझसे, लेकिन मैंने बाद में फिर ये फेस किया कि दे वर वेरी रिलायबल। छोटा मोटा दुकानों जो रहा था वो रिलायबिलिटी मुझे मिली नहीं, लेकिन आज मेरा लैपटॉप ठीक ठाक चल रहा है, वो उन्हीं की बदौलत है। इस चीज को बहुत करना जरूरी है। और डाटा का, अगर डाटा आपका लीक हो जाता है तो पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान कर बैठोगे 1,000-100 बचाने के चक्कर में। नो डाउट सर का नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है कि आप मुझे कॉल करिए और मैं इनको कनेक्ट करूंगा। कोई भी लैपटॉप इश्यूज प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे आप कॉल करिए, नंबर स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कॉल करिए। और हाँ, इनसे बात करने के बाद ही लैपटॉप रिपेयरिंग में कहीं दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चले कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। और हाँ, अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेबसाइट कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ इश्यूज फेस करें, तो ये मेरा वीडियो है, देखिए कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी है वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो मिलता हूँ एक और वीडियो में।